हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं दीपक जैन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लूमैक्स ऑटो. दीपक, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. पहला सवाल, बिकॉज आपकी दोनों कंपनीज लिस्टेड हैं और दोनों ही डिफरेंट बिजनेसेस करती हैं, क्या आउटलुक लग रहा है 2018 को लेके, आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या हैं और क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, इफ यू कैन यू नो टॉक अबाउट ईच बिजनेस एट अ टाइम. देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं लूमैक्स इंडस्ट्रीज की बात करूंगा जो फ्लैगशिप कंपनी है. जी, वो हम लाइटिंग करती है और उसके साथ हमारा एक फॉरेन पार्टनर जो जापान से है, स्टैनली इलेक्ट्रिक, वो है. लूमैक्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो 2018-19 के अंदर जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, अभी हमारे क्वार्टर रिजल्ट्स भी आउट हुए थे, इसमें एक्चुअली क्या है कि हम हाई डबल डिजिट ग्रोथ सोच रहे हैं. इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इसके तीन चार कारण हैं. पहला कारण तो ये है कि जो लाइटिंग इंडस्ट्री है वो कन्वेंशनल लाइटिंग से एलईडी लाइटिंग में बदल रही है, और उसकी वजह से जो नया ऑर्डर आ रहे हैं, जो नया टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रहा है, उसमें जो है अगर क्वांटिटी हम सेम रखें, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सेल प्राइस की रियलाइजेशन इसमें ज्यादा हो रही है. दूसरा ऑफकोर्स हमारे जो सबसे पहले कस्टमर है मारुति सुजुकी, इस कंपनी के लिए वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं. लूमैक्स इंडस्ट्रीज ने नवम्बर 2018 के अंदर, जो 2017 के अंदर हमने गुजरात के अंदर सनंद में प्लांट उनके लिए लगाया था. स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पे हम पूरा हैं और फॉर्चुनेटली वो गाड़ी भी अच्छे से कर रही है, सो उसकी रियलाइजेशन भी हो रही है. दूसरे तीसरा ये रीजन है कि अगर हम टोटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, लूमैक्स इंडस्ट्रीज लाइटिंग में एक मार्केट लीडर है. 60% जो है उसका मार्केट शेयर है, और टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, एग्रीकल्चर में सब जगह जो है लाइटिंग जो है हमारे प्रोडक्ट्स उसमें लगते हैं. सो एज अगेंस्ट इंडस्ट्री जब ज्यादा बढ़िया करती है, सो हमें उसका भी एक बेनिफिट मिलता है. सो ये बेसिकली लूमैक्स इंडस्ट्रीज की बात हुई. लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज जो है उसके अंदर मल्टीपल पार्टनरशिप्स हैं, उसमें कई जेवीज हैं. आज की तारीख में 6 पार्टनर्स हैं मैं ये कहूंगा, और उसमें जो है हमारा एक आफ्टर मार्केट डिवीजन भी है. जी हाँ. हमने लूमैक्स का एक रीब्रांडिंग भी की है और उसके अंदर हमने आफ्टर मार्केट के अंदर काफी पुश किया है. सो वो देखते हुए उसमें भी एक डबल डिजिट की ग्रोथ आ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है काफी स्टेबल और इम्प्रूवमेंट हो रही है. अभी हमने कुछ ही समय पहले जो है एक नया बेसिकली एमओयू किया है, जो बेसिकली, और दो हमने जेबीज करे हैं जिसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर्स है और टेलीमैटिक्स जो है वो कर रहे हैं. सो उसके अंदर अभी तक उसकी सेल रेवेन्यू नहीं आई है, बट आगे जाके हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि उसके अंदर भी जाके हमारी सेल रेवेन्यू जो है इंक्रीज होगा. ग्रेट. सो दोनों बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव एंड यू नो अच्छे ग्रोथ नंबर्स आप जो बोल रहे हैं, अबाउट 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम अबाउट 25% प्लस की बात कर रहे हैं दोनों बिजनेसेस के अंदर एज सच, एंड ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी जो है, मार्जिन वी आर प्लानिंग के एट एबिटा लेवल वी शुड ट्राई एंड कम टू नियर डबल डिजिट. तो ये आपका ये साल का एंड तक आप ओके ग्रेट. इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली जब हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन में यू नो जा रही है इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड और भी नए टेक्नोलॉजीज जो हम ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितने आपने ईयरमार्क किए हैं? अभी आपने एक्सपेंशन किया फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में, बट इसके बियॉन्ड नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा. एक्चुअली क्या है कि आज जो हम इवन आज एक्मा के सम्मेलन में देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स काफी करनी पड़ेगी, और उसके अंदर जो एक्सपेंशन है ऑन योर करंट बिजनेस, जो कैपेसिटीज जो आजकल अब फुल हो रही हैं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. जो अच्छी बात है, बोथ कंपनीज आर टुडे डेट फ्री, सो हमारी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है. वी आर रेडी टू इन्वेस्ट. जो आपने जैसे अभी कहा कि लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट किया था सनंद की प्रोजेक्ट में, लूमैक्स इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, उसमें अबाउट क्लोज टू 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, बट वो सारी इंटरनल एक्रूवल से हुई थी. तभी भी अगर आप देखें हमारी बैलेंस शीट, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए भी डेट जो है वो कम रहा था. लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात करूं, तो हमारे पास काफी आगे जाके जो हमने ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी. हम 3-4 कंपनीज और से बात कर रहे हैं जिसमें होपफुली बाय मार्च दिस ईयर वी मे बी एबल टू ऑल्सो सेलेक्ट 2-3 कंपनीज, उसके आगे भी नए ज्वाइंट वेंचर शायद हम अनाउंस करेंगे. वो आज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज हम डिस्कशन मोड में हैं. नो, बट ब्रॉडली आप क्या एरियाज में फोकस? देखिए, ऐसा मेनली जो है वो हमें कस्टमर की नीड
कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच करनी है. हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमारी अगर आप देखें कोर कॉम्पिटेंसीज वो मेनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है. जी हाँ. तो उसमें हम आगे जाने की सोच रहे हैं. ओके. और अगर कहीं की कस्टमर की नीड और आती है उसे हम डेफिनेटली इवैल्यूएट करेंगे. ओके. सो वो अब आप चल सो वो हम आप चल रहे हैं. तो कितना कैपेक्स उस बिजनेस में आप? सो लुमैक्स इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे इस साल जो है ऑलमोस्ट करीबन 100 करोड़ की कैपेक्स है, जो अगेन हम इंटरनल एक्रुअल से फंड कर देंगे. एंड वेल कैपिटलाइज्ड, वी आर वेल कैपिटलाइज्ड. एंड लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के अंदर भी जो भी आ रही है, तो आज की तारीख में मुझे ये नहीं लग रहा कि हमें एक बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट की एक्सरसाइज करनी पड़ी है या कोई धारा डेट करना पड़ेगा. हाँ, जहां डेट की जरूरत पड़ेगी वहां पे जरूर हम डेट लेंगे, क्योंकि ये यू नो बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड वी आर सीइंग नंबर्स, सेल्स नंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्रोथ है. अभी नए कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, किया मोटर्स, एमजी मोटर और भी बन रहे हैं, तो उनसे आपको कितना बिजनेस में एडिशन सप्लीमेंट मिलेगा? एंड दूसरा, ऑर्डर बुक फिलहाल आपकी कितनी है, क्या प्रोजेक्शन लग रही है? सो ऐसा कि अगर आप लुमैक्स इंडस्ट्रीज की देखें, उनकी एक एसोसिएट कंपनी है विच इज एसएल लुमैक्स, दैट ऑलरेडी हैज गॉट ऑर्डर बुक विच इज 100% फॉर किया मोटर्स, बिकॉज वो कोरियन है, वो हमारे ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स हैं. सो उनके पास ऑटोमेटिकली उस बिजनेस है. एंड लुमैक्स इंडस्ट्रीज एज एसोसिएट कंपनी को वो कंसोलिडेट करता है. सो जो भी उनकी जो रेवेन्यू प्लस बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी पे माइनॉरिटी होगा, दैट वी विल बेसिकली गेट दैट मेनली ऑन प्रॉफिट. लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हमने जो है नए कस्टमर्स ग्रुप की तरफ से देखें तो एमजी मोटर्स, टीवीएस मोटर्स फॉर टू व्हीलर्स ऑन लाइटिंग एंड एलईडीज, वो हमने बेसिकली और ऐड किया है. और हमने बेसिकली कहीं टीयर टूज के अंदर भी ऐड किया है. अगर उससे देखें तो नए कस्टमर्स से आगे जाके ऑर्डर बुक एटलीस्ट अराउंड अबाउट 150 करोड़ की है. एंड अगर मैं करंटली देखूं, मैंने आपको ऑलरेडी ग्रोथ प्रोजेक्शन अपना बता दिया है रेवेन्यूज के ऊपर, सो वी सी अ गुड रोबस्ट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड. ओके. एंड फाइनली दीपक, आपका इंटरनेशनल यू नो प्रेजेंस ऑलवेज ऑटो कंपोनेंट में, आप टी रिस्क करते हैं और बिजनेस बहुत स्ट्रांग ग्लोबली भी देखते हैं, तो अभी कितना परसेंटेज है और आगे टाइम में आप कितना देख रहे हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का कैसे प्ले होगा? अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो अभी हमारा फोकस जो है इंडिया में है, डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी है. डिमांड भी है और जब क्या है आपका, जब हाई मार्केट शेयर पेनिट्रेशन होता है और अगर इंडस्ट्री जो है करीबन आपकी डबल डिजिट पर ग्रोथ कर रही है, आप हाई डबल डिजिट पर ग्रोथ कर रहे हैं, तो फोकस जरा होना जरूरी है. ऑल्सो हमारे सारी दुनिया भर के कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, सो हमें पहले उनकी एक बाउंड्रीज और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, बिकॉज वो हमें से पार्टनरशिप इसलिए किया क्योंकि वो इंडिया के अंदर है. हाउएवर अभी जो है एक्सपोर्ट, हम ऑलमोस्ट अबाउट टोटल ग्रुप रेवेन्यू देखें तो अराउंड अबाउट 5-6% वी एक्सपोर्टिंग, बट हमारा हमेशा दिशा रही है कि हम ओईस को एक्सपोर्ट करें. सो हमारे पास अमेरिका, यूरोप के अंदर ओईएम्स बेसिकली कर रहे हैं. लास्ट मैं ये बताऊंगा कि अगर हम मर्जन एक्विजिशन की बात करें जी हमें तो मर्जन एक्विजिशन के अंदर वी आर अगेन सेइंग दैट एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर, मैं इमीडिएट फ्यूचर मतलब 3 साल की बात करूंगा, आज हम क्रॉस बॉर्डर मर्जन एक्विजिशन पे नहीं फोकस कर रहे, बट हाँ हम डोमेस्टिक बेसिकली शायद एक्विजिशन पे भी सोच रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव कि कंसोलिडेशन होगा. एंड अगेन अगर हमारी कस्टमर की एक नीड मेट करती है, कस्टमर से किस एरिया में, अगर कैन यू जस्ट पिन पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आप बोल रहे हैं, सो अगेन इट विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बिकॉज हमारी कोर कॉम्पिटेंसी वही है. वी विल बी प्रॉब्ली डूइंग इट फॉर इधर बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड ऑन द एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, इट मे नॉट बी न्यू. एंड ऑल्सो ऑफकोर्स बेस्ड ऑन मेनली कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर किसे रिक्वेस्ट आ रही है, सो दिस थिंग वी डेफिनेटली विल इवेल्यूएट दैट. ओके. तो वो अभी आप कुछ टॉक्स में है? वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद 2 or 3 कंपनीज, सो उसके भी अगेन होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको शायद एक हम न्यूज अच्छी न्यूज. बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया बात करने के लिए. धन्यवाद.